शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि वो मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिसके बाद बीजेपी के कई नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत के करीबियों पर शिकंजा कसा हुआ है। राउत का आरोप यह है कि केंद्र की मोदी सरकार एजेंसियों के जरिए उन पर महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का दबाव बना रही है, पर वो झुकने वाले नहीं है। शिवसेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। जब शिवसेना सांसद संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब दादर स्थित शिवसेना भवन के बाहर शिव सैनिकों का हुजूम जमा था। अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के सांसद, मंत्री, विधायक बड़ी संख्या में मौजूद थे। ईडी और सीबीआई, ईओडब्ल्यू, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आज मेरा ये जो स्पीच है वहाँ बैठकर सुन रहे हैं, मुझे मालूम है। संजय राउत ने कहा था कि मंगलवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के नेता जेल जाएंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्षी दलों की सरकारों के पीछे पड़ी है। महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड, ये तीन राज्यों की सरकार गिराने की साजिश चल रही है और ईडी और सीबीआई का हथियार बना रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो पार्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे जैसे लोग हम सबको तकलीफ देंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए उन्हें 10 मार्च की नई तारीख दे दी गई है, वरना एजेंसियां पीछे लगाने की धमकी मिली है, पर वो डरने वाले नहीं हैं। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मोहित कम्बोज उनके निशाने पर रहे। राउत ने आरोप लगाया कि दूसरों का पर्दाफाश करने का दावा करने वाले किरीट सोमैया खुद बड़े घोटालेबाज हैं। टीएमसी स्कैम से उनके तार सीधे जुड़े हैं। ये जो है अभी किरीट सोमैया ना, का उसका नाम, हाँ, वो बोलता है कि राकेश वाधवानी एक भयंकर मानुस है, उसने भ्रष्टाचार किया है, टीएमसी बैंक घोटाला किया है, लोगों का पैसा डुबाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? ये कंपनी किरीट सोमैया की है, उसका फैमिली की है, नील किरीट सोमैया की है और वो राकेश वाधवान का पार्टनर है। राउत के निशाने पर दूसरे बीजेपी नेता रहे मोहित कम्बोज, जिनका नाम क्रूज रग केस के दौरान खूब उछला था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोहित कम्बोज को क्रूज रग केस का मास्टरमाइंड बताया था। राउत ने कहा कि कम्बोज की वजह से देवेंद्र फडणवीस बुरे फंसने वाले हैं। ये जो पत्राचार वाला इशू निकाला है ना, ये पत्राचार की जमीन खरीदने वाला मोहित कम्बोज सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें भी पीएमसी बैंक का पैसा लगा है। पीएमसी बैंक को डुबाने वाला, वहां का करप्शन का पैसा ये पत्राचार में लगा है और मोहित कम्बोज का वहां एक लग्जर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है पत्राचार में और हम भी उंगली दिखा रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एजेंसियों को उनके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के पीछे लगा दिया है। अब उनके खुलासे से बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। जितेंद्र नवलानी, फरीद शमा, रोमी और फिरोज शमा, ये चार किसके एजेंट हैं? मुंबई के 60 बिल्डरों से लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए जमा किए। कहां हो गया उसका मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आपको बता दूंगा। उसमें कितने ईडी के अफसर शामिल हैं, कहां बैठते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं और क्या अय्याशी करते हैं, ये मैं देश को बताऊंगा। चाहे आप मुझे गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, आप कुछ भी करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया आई। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, इससे पहले भी साल 2017 में संजय राउत ने सामना के जरिए मेरी पत्नी प्रोफेसर मेधा सोमैया को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब उन्होंने मेरे बेटे का नाम लिया है। अब तक ठाकरे सरकार के नेता मेरे खिलाफ 10 केस दायर कर चुके हैं और 3 करने वाले हैं। मैं और केसों का स्वागत करता हूं, हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों श्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोविड केयर घोटाले पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ईडी ने प्रवीण राउत नाम के शख्स को 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया है।
ये गिरफ्तारी गोरेगांव स्थित पात्राचाल घोटाले में हुई है। ईडी का आरोप है कि प्रवीण राउत एक बड़े नामी प्रभावशाली नेता का फ्रंटमैन है। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी माना जाता है। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए बिना ब्याज के बतौर लोन ट्रांसफर किए थे, जिससे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। संजय राउत के एक और करीबी सुजीत पाटकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। पाटकर एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में संजय राउत की बेटियों के साथ पार्टनर है। मेरे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर रेड्स हो रही थी और इनोसेंट लोगों को पकड़कर लेके जा रहे थे। उस रात को मैंने अमित शाह जी को फोन किया था, मैंने कहा कि अमित शाह जी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बड़े नेता है, देश के गृह मंत्री है, लेकिन ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। अगर आपकी मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे अरेस्ट करिए। फिलहाल संजय राउत ने कहा है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, जल्द ही वो वीडियो के जरिए कुछ और सबूत भी सामने रखेंगे। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सुनते हैं कि बीजेपी की तरफ से संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी दम नहीं था। 3.5 नेता भाजपा के कौन है वह नाम नहीं दे पाए। उसने क्यूरियोसिटी ऐसा क्रिएट किया, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से 0 आउटपुट निकला। और आप देखोगे कि संजय राउत थक गए हैं, बयान देके टीका करके, तो उनको लगता है अभी अपना अकेलापन महसूस होता है, अभी मुझे पार्टी की जरूरत है। इसलिए संजय राउत ने शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी तक संजय राउत की थी बताना पड़ा, लेकिन शिवसेना के ढेर सारे नेते आए नहीं, आमदार आए नहीं, खासदार आए नहीं, और मुंबई के शिवसैनिक बड़े पैमाने पे आए नहीं। आप देखोगे विजुअल्स तो नासिक से मंगाने पड़े। मुझे लगता है शिवसेना के लिए सोचने की बात है। आदित्य ठाकरे उपस्थित रहने चाहिए थे, मुझे लगता है वो भी नहीं थे, क्या थे? तो मुझे लगता है वो अकेले पड़े और ये गिने चुने कई लोग थे।